हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ होटल स्टाइल छोले और हेल्दी भटूरे, जिसे मैं आटे से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी प्याज कट करूंगी। कम से कम चार पांच आप प्याज ले लें, और एक प्याज में सादा रखूंगी, मतलब उसके छिलके वगैरह हटाकर उसे पीसूंगी मसाले में। तो चार पाँच मैं पहले इसे कट करके और इसे अच्छे से फ्राई करूंगी रेड होने तक। मैंने इस बार ऑर्डर किया है, तो ये भी बहुत लाइट है, बहुत अच्छा है। तो मैंने अब तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी तड़के के लिए, और इसमें मैं थोड़ी मेथी भी डालूंगी। जैसा कि मैंने बताया, टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हाफ मिर्च डाला है मैंने इसमें तड़के के लिए। तो मैं अब अच्छे से, ये देखिए, अब मेरा जो तड़का है वो भी तैयार हो चुका है। तो अब इसमें मैं पूरा प्याज डाल दूंगी और इसे अच्छे से रेड होने तक, अच्छे से फ्राई, डीप फ्राई करूंगी इसे रेड होने तक। तो फ्रेंड देखिए, ये थोड़ा रेड हो चुका है, बट मैं इसे और थोड़ा फ्राई करूंगी। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी होने को है, मतलब रेडी हो चुका है। और इसमें मैं फिर मसाला डालूंगी जो मैंने तैयार किया है मसाले को। ये देखिए, काफी थिक है। और इसमें इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। और आप जब भूनेंगे तो इसे बिल्कुल ही ऐसे हल्के हल्के भूनेंगे, और इसमें बीच बीच में आप पानी डाल के भूनेंगे तो ये अच्छे से होगा। और इसमें मैं छोटा टमाटर डालूंगी, टमाटर
देखिए ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनती हूँ, जिससे वो आपका जो मसाला है वो काला नहीं होगा और वो जलेगा नहीं। तो इस तरह से मैं थोड़ा देर तक 5-10 मिनट तक अच्छे से मसाले को भूनूंगी। और इधर मैं भटूरे के लिए मैंने आटा भी तैयार कर लिया है, जो मेरा आटा है वो तैयार कर लिया। मैं भटूरे में मैदे का इस्तेमाल नहीं करती, मैं भटूरे में आटा और दही वगैरह जो बाकी प्रोसेस है मैं उसके से करती हूँ। और फ्रेंड्स ये रेडी है, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।